आप सब कैसे हैं? आज हम बहुत ही मजेदार कड़ी पकौड़ा बनाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा ना इसे कैसे बनाते हैं, आपने वैसे ही बनाना है, आपके पेट में दर्द नहीं होगा। चलो फिर बनाना शुरू करते हैं। पहले हम पकौड़े बना लेंगे। पहले चार आलू लेंगे, उन्हें बारीक काट लेंगे। हमने सारे आलू काट लिए हैं। वो प्याज लेंगे, उन्हें भी बारीक काट लेंगे। Thank you.
अब हम 2 से 3 हरी मिर्च लेंगे और उन्हें बारीक काट लेंगे। हम एक टमाटर को बारीक काट लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने सारी सब्जियां बारीक काट ली हैं। अब हम बेसन को छान लेंगे। बेसन डालेंगे। वहां पे बारीक कटी हुई पालक डालेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च का डालेंगे। एक चम्मच हल्दी का डालेंगे इसके अंदर। एक चम्मच खुश्क धनिया डालेंगे। एक चम्मच नमक का डालेंगे। अनार दाना डालेंगे। इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। मसाला तैयार हो गया है। हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। कढ़ाई में घी गरम करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला तैयार हो गया है।
हम छोटे छोटे पकोड़े बनाएंगे। हमारी एक साइड फ्राई हो गई है, अब हम दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। पकौड़े तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हमने सारे पकौड़े बना लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे पकौड़े बना लिए हैं। तो हम कढ़ी बनाते हैं। प्याज को ब्रीक काट लेंगे, फिर ये कढ़ी में नजर ना आए। फ्रेंड्स, हमने इन्हें बहुत ही ब्रीक काटना है। देखिए फ्रेंड, हमने अपने सारे प्याजों को भी काट लिया है। हरी मिर्चों को पीस लेंगे।
में अदरक को भी पीस लेंगे। हमारी अदरक और हरी मिर्चें बिल्कुल पेस्ट गई हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इधर 1.5 कप बेसन डाल देंगे। हम इसको भून लेंगे। फ्रेंड्स, इससे पेट पे दर्द नहीं होती। ये भी ज्यादा मजेदार बनेगी। हमने इसको 2 मिनट के लिए भुनना है एंड इससे ज्यादा भुनने की कोई जरूरत नहीं।
रोटी बनाएंगे। तकरीबन 1.5 किलो दही है, मैंने घर में बनाई थी। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। मक्खन निकाल लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा मक्खन लस्सी के ऊपर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे मक्खन को। फ्रेंड, हमने सारा मक्खन निकाल दिया है। हम लस्सी में भुना हुआ बेसन डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। खंडी में घी डालेंगे। अंदर हम प्याज डाल देंगे। इनको फ्राई कर लेंगे। टमाटर डालेंगे, मिर्चर और अदरक भी डाल देंगे। एक चम्मच घर की पिसी हुई लाल मिर्ची के डाल देंगे। पांच मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके अंदर जीरा डाल देंगे। गरम मसाला फ्राई हो गया, अंदर लस्सी और बेसन डाल देंगे। Thank you.
फ्रेंड्स इसको मुसलसल हिलाते रहना है, हिलाते ही रहना है, बलने नहीं देना। इसके अंदर धनिया डाल देंगे, और इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे, कड़ी हो जाएगी। अब हम इसके अंदर पकौड़े डालेंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमारी कढ़ी तैयार है। अब हम चावल उबालेंगे। कढ़ी के साथ तो चावल बहुत मजेदार लगते हैं। फ्रेंड्स हम साथ में रोटी भी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी रोटी तैयार हो गई है। मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई करना और इसको शेयर भी बहुत ज्यादा करना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू।